हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई सुबह सुबह, और सब लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग। और मैं जा रही हूँ जो है मोटर चलाने, मतलब पानी का मोटर, जो पुराना वाला मोटर है वो चलाने जा रही हूँ। और ये है, इसमें मतलब ये लोहे का सामान उमान रखा जाता है इस वाले कमरे में, मतलब जो ट्रैक्टर के सामान उमान होते हैं वो रखे जाते हैं। और ये देखिए, बेचारे यहाँ पे अकेले लेटे हुए हैं इतना शांति से, और ये बहुत शांति से मतलब रहता है, लेकिन जब इसको कोई परेशान ना करे तो अपना शांति से लेटा रहता है बाबू मेरा। और ये देखिए, आप लोगों को देख रहा है तुम्हारा बेटा अकेले है। क्या देना है? और अभी झाड़ू पोछा वाली मतलब आई नहीं है, बहुत थोड़ा सा लेट आती है। और यहाँ पे ये देखिए, भाभी बना रही है खाना और नाश्ता सबको दे रही है। करिए, कर दीजिए। अरे झूठी है, कोई ये तो पी लीजिए, गरम गरम दिखा दिए। बादाम उदाम भी नहीं? बादाम। और ये हम ले जा रहे हैं देने बड़े पापा को नाश्ता। देखिएगा ये गिलास बहुत अच्छा है। तो आज मैं मिलवाती हूँ अपने घर के सबसे बड़े मुखिया, जो मेरे बड़े पापा हैं। तो वो अभी वहाँ पे बैठकर धूप ले रहे हैं, तो उनके लिए दूध लेके जा रहे हैं केला, और अभी बैठे हुए हैं धूप लेने, क्योंकि फिर सब लोग आ जाते हैं फिर ढेर मतलब, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, 12-1 बज जाता है बात करने में। पापा के साथ मतलब बैठने वाले सब आ जाते हैं सुबह सुबह, तो और ये मतलब भूसा वाला कमरा, जो गाय भैंस के लिए जो खाना मतलब रखा जाता है भूसा, तो ये वो कमरा है। और ये है चरी काटने वाला मशीन, तो ये लाइट से बिजली से चलता है। और धूप कितना अच्छा खिला हुआ है, पूरा एकदम अंदर जो है घर तक धूप जा रहा है। और मिलिए मेरे बड़े पापा से। और ये है मेरे बड़े पापा। पापा, आप कुछ कहना चाहेंगे इन लोग को, इन लोगों को, पब्लिक को कुछ कहना चाहेंगे? और ये इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे, ये पढ़ाते थे, लेकिन अब ये पापा रिटायर हो चुके हैं, अब घर पे ही रहते हैं। और लड़के जो हैं ये सब साइकिल चलाते हुए कहीं रोड पर ना निकलें, यहाँ यहीं पर चलावें साइकिल जो चलाना हो, नहीं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। और ये इंग्लिश पापा मेरे जो है मतलब इंग्लिश के लेक्चरर थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं और घर पे ही रहते हैं, क्योंकि अब कहीं जा नहीं सकते हैं। ये 70 ईयर्स के हो गए हैं मेरे बड़े पापा। कितने के? 80 ईयर्स के हो गए हैं पापा, अब घर पे ही रहते हैं, कहीं जाते वाते नहीं हैं, क्योंकि अब जाने की उम्र भी नहीं रही इनकी। और बस यही अपना घर का अपना यही सब देखते रहते हैं, काम वाम करवाते रहते हैं। और ये रही गाय भैंस, ये सब करवाते हैं अपना, और ये रिटायर हो चुके हैं।
तो मिल लीजिए आप लोग भी। और यहाँ पे बच्चे जो है ट्रैक्टरों के ऊपर चढ़े हुए हैं, उनको मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना पसंद है ट्रैक्टर, इतना जो है मतलब दिन भर खेलते रहते हैं, खाने पीने की इनको सुध नहीं रहती बच्चों को। और ये देखिए, और यहाँ पे आग जलता है, तपता जलाया जाता है शाम के टाइम, शाम और सुबह दोनों टाइम जलाया जाता है, क्योंकि सर्दी जो है अब बढ़ गई है। आज तो जो है वेदर काफ़ी ख़राब था, क्योंकि धूप नहीं निकली है सुबह से, मतलब हल्का फुल्का धूप निकला था, लेकिन हवा बहुत चल रही है। और यहाँ पे बन रहा है घुघरी आलू मटर की, ये जो है नाश्ता, तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। तो ये गांव का फेमस मतलब नाश्ता है घुघरी, बहुत अच्छा लगता है सर्दियों के सीज़न में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें हम लोग थोड़ा जो है मतलब मटर घुघरी में मुझे बहुत अच्छा लगता है लाई डाल कर खाना, ये जो चावल का लाई होता है, तो ये इसको मुरमुरा बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन हम लोग उसको लाई बोलते हैं। तो ये है लाई। देखिए धूप बहुत अच्छा निकला हुआ है, लेकिन तब भी हवा इतना चल रहा है कि धूप पता ही नहीं चल रहा है। और ये है सबसे बड़ा किचन, ये मतलब ऊपर का मतलब ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पे भी ऐसे खाली सामान रखा हुआ है, क्योंकि ये यूज नहीं होता है। और नीचे जो छोटा वाला किचन है वही यूज होता है, ऊपर मतलब आने जाने में बहुत फिर दिक्कत होती है। और इससे अटैच ये एक रूम है बड़ा सा, तो ये भी खाली ही रहता है। घर के बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पेड़ पेड़, कितनी हरियाली है, कितना अच्छा लगता है। धूप तो निकला है, लेकिन बहुत जो है हवा चल रही है। और यहाँ पे बन रहा है खाना, निमोना बन रहा है गैस पे, और यहाँ बच्चों के लिए दूध गर्म किया जा रहा है। तो ये किचन जो है थोड़ा सा मतलब स्पेस इसमें कम है नीचे का, तो ऊपर बड़ा बनवाया गया है, लेकिन अभी यूज नहीं होता है। और ये है मेरा बाबू। तो ये रही मेरी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और तो ये देखिए आप लोगों से हेलो कर रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तो बस ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। क्या बुलाती लड़की को है तुम्हारा? समीमा। क्या? समीमा। अच्छा, आज लेट कर दी ना? हाँ, बहुत लेट। आज मौसम भी ठीक नहीं था। समीमा नाम है। और यहाँ पे ये आई है करने झाड़ू पोछा, और आज लेट कर दी है। बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हाँ उपमा दीदी।